नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। द की टू सक्सेस इज टू फोकस ऑन गोल्स, नॉट ऑन ऑब्स्टेकल्स। फोकस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंसी इन आवर लाइफ। इट्स ऑन आवर सेल्फ टू स्पेंड दिस इनवेल्युएबल करेंसी ऑन कंस्ट्रक्टिव वेज और एल्सवेयर। मोर वी यूज इट ऑन कंस्ट्रक्टिव साइड, आवर परफॉर्मेंस एनहेंसेस, प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लाइज। सो वेन एवर वी यूज इट ऑन गोल्स, आवर प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। बट इफ वी डिसाइड ऑन ऑब्स्टेकल्स, द करेंसी इज वेस्टेड देयर। वन मोर प्रोवर्ब इज देयर, Where focus goes, energy flows. That means when we focus on goals or targets, our energy is utilized there on our targets. And when we focus on obstacles, the energy is wasted there. Also, the mind surrounds itself on all those unproductive thoughts that drains out our energy, making us disappointed and frustrated. Focusing on obstacles bring more obstacles on our future path. It shatters our confidence levels, our determination powers and resolves. So we should focus on goals, not on obstacles. एक example के साथ लेते हैं। बचपन में सभी बाइसाइकिल राइड करना सीखे होंगे। जब पहले पहले हम लोग बाइसाइकिल चलाना सीखते हैं तो बार बार हम लोग गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नजर हैंडल के नीचे सामने वाले पहिए के ऊपर रहता है, रास्ते के ऊपर होता है। जो हमें साइकिल सिखाने का प्रयास करते हैं, ट्रेनर जो होते हैं, वो हमेशा हम लोगों को क्या बोलते हैं, नीचे मत देखा करो, आगे देखा करो। फिर भी हम पहले पहले नीचे ही देखते हैं और हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा फोकस यही होता है कि आगे कैसे जाए, ये ऑब्स्टेकल्स यहीं पे तो ना गिर जाए, यहीं पे तो ना गिर जाए, तो हमारा फोकस ऑब्स्टेकल्स पे रहता है। लेकिन जिस वक्त से हम आगे की तरफ देख के पांव से साइकिल का पेडल मारने का चालू करते हैं, उसी वक्त से हमारा बैलेंस सुधरना चालू हो जाता है और जैसे जैसे हम बिल्कुल सामने ना देखते हुए, सामने वाले पहिए के नीचे ना देखते हुए आगे डिस्टेंस को देखते हैं, और क्या होता है, उस वक्त हमारा बैलेंस सुधरने लगता है। और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही हमारा बैलेंस सुधर जाता है। हम क्या करते हैं उस पार्टिकुलर एग्जाम्पल में कि हम आगे की डिस्टेंस देखना चाहते हैं, यानी हम अगर अच्छी तरह से बाइसाइकिल को चलाएंगे तो हम यहाँ से उस दूर तक जा पाएंगे, ये जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बाइसाइकिल से ट्रेवल कर पाएंगे, यानी आवर गोल, वी आर फोकसिंग ऑन आवर गोल्स। लेकिन पहले पहले हम जब साइकिल के सामने वाले पहिए के नीचे जमीन पे हम देखते हैं तो हमारा फोकस कहाँ पे होता है, हमारा फोकस होता है ऑब्स्टेकल्स पे, एंड उस कारण हम बार बार गिर जाते हैं। इसीलिए हमें ये सजेशंस दिया जाता है कि आगे देखा करो, नीचे मत देखा करो, यानी डोंट फोकस ऑन द ऑब्स्टेकल्स बट फोकस ऑन द गोल्स। कि आप अगर जब आराम से चला के आगे की तरफ जाओगे और जो इतना सारा डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे बाइसाइकिल से अपने मेहनत से अपने बलबूते पे, फील अबाउट द एंजॉयमेंट, यानी फोकस ऑन द गोल्स। तो हमें हमेशा गोल पे ही फोकस करना चाहिए, ना कि ऑब्स्टेकल्स पे।
ऑब्स्टेकल्स जहां जहां आएंगे उसको कैसे टैकल किया जाए उसके ऊपर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस करना चाहिए, ना कि उसके ऊपर अपना एंटायर एनर्जी डिवोट करना चाहिए। पूरा का पूरा एनर्जी गोल्स पे लगाना चाहिए और चलते चलते कोई अगर हियर एंड देयर कुछ ऑब्स्टिकल्स आता भी है उसको कैसे दूर किया जाए उसके ऊपर, उसके सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। तो आज ये छोटी सी बात इतना तक ही। आप सभी को धन्यवाद।